प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 चीतों का चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। चीते जैसे जानवर को इससे पहले कभी रीइंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में शिफ्ट करने की बात तो किसी ने सोची भी नहीं होगी, लेकिन अब वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। जो चीते देश से विलुप्त हो चुके थे, उन चीतों की वापसी हो रही। अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीतों को लेकर स्पेशल बोइंग 747 प्लेन टेक ऑफ कर चुका है और कल सुबह चीते मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नेशनल पार्क में मौजूद रहेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे भी है, तो जिन चीतों का स्वागत खुद पीएम मोदी करेंगे, वो चीते कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और लाने की वजह क्या है, इन सबको आपको आज डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जिन 8 चीतों को लाया जा रहा है, उन सब के बारे में एक एक करके जान लीजिए। जिन चीतों को लाया जा रहा है, चीता नंबर 1 अगर उसके कहूं, उसमें पहले नंबर पर फीमेल चीता है। इस फीमेल चीता की उम्र 2 साल है। इसे इसके भाई के साथ दक्षिण पूर्वी नामीबिया के गोबाबिस शहर के एक तालाब से चीता कंजर्वेशन फंड यानी CCF ने रेस्क्यू किया था। ये दोनों चीते बहुत ही खराब हालत में थे, शायद जंगल में आग लगने के कारण दोनों अनाथ हो गए। 2020 में ये दोनों चीते, इन दोनों चीतों को CCF सेंटर में रखा गया, जिन्हें अब भारत लाया जा रहा है। दूसरी फीमेल चीता को भी CCF ने जुलाई 2020 में नामीबिया से ही पकड़ा था। इस चीते की उम्र 3 से 4 साल है। यह CCF सेंटर के पास ही बिजनेसमैन के एक खेत में थी। इसे जाल बिछाकर ट्रैप किया गया, तब से यह फीमेल चीता कंजर्वेशन फंड के सेंटर में थी। तीसरी फीमेल चीता जो लाई जा रही है, उसकी उम्र 2.5 साल है और इसका जन्म अप्रैल 2020 में नामीबिया के एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व में हुआ था। इसके जन्म से पहले इस फीमेल चीता की मां CCF के सेंटर में थी। बाद में इस चीते की मां को जंगल में छोड़ दिया गया, जबकि ये CCF सेंटर में ही रखी गई। चौथी फीमेल चीता की उम्र 5 साल है। 2017 में यह फीमेल चीता नामीबिया के गोबाबिस में एक खेत के पास मिली थी। उस समय यह बेहद खराब हालत में थी। शुरुआत में किसानों ने ही इसे खाना पानी दिया। 2018 में इस चीते को चीता कंजर्वेशन फंड को दे दिया गया, जहां से अब इसे भारत लाया जा रहा है। पांचवी फीमेल चीता की उम्र भी 5 साल बताई जा रही है, मतलब 8 में से 5 फीमेल चीता है। 2019 में यह चीता नामीबिया के कमंजब गांव में मिली थी। इसके बाद इसे भी चीता कंजर्वेशन फंड के सेंटर ले जाया गया। चौथी और पांचवी फीमेल चीता CCF के सेंटर बाड़े में हमेशा एक साथ रहती हैं। ये दोनों फीमेल चीते अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। फीमेल चीता के बाद अब बात मेल चीता की। भारत आने वाला 6ठा और 7वां चीता मेल है, यानी नर है। 6ठा और 7वां चीता जो है वो सिबलिंग भी हैं, दोनों एक ही परिवार के भी हैं। इनकी उम्र 5.5 साल है। भारत लाए जाने से पहले ये दोनों चीते नामीबिया के ओटजिबरंगो में CCF सेंटर में। तो 7 चीते तो भारत आ रहे 8वें और आखिरी चीते की उम्र 4.5 साल है। इसका जन्म 2018 में नामीबिया के एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व में हुआ था। इस चीते की मां भी इसी रिजर्व में पैदा हुई। तो 8 चीते आ रहे हैं, 5 फीमेल चीता और 3 मेल चीता। भारत में आखिरी बार चीता करीब 75 साल पहले 1948 में देखा गया था। 1952 में चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था और अब 70 साल बाद चीतों को अफ्रीका से लाकर भारत में फिर से बसाया जा रहा है। ये चीते जो हैं वो अफ्रीका से ही क्यों लाए जा रहे हैं, ये सवाल पूछिएगा ना भाई, अफ्रीका से क्यों, कहीं और से क्यों नहीं लाए? इस सवाल का जवाब देता हूं। पहली बात, दुनिया में करीब 7,000 चीते हैं और इनमें से 6,000 चीते अफ्रीका में। इनमें आधे से ज्यादा चीते दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में पाए जाते हैं, इसलिए वहां से चीते की सप्लाई आसान है। दूसरी वजह कि अफ्रीका के चीतों में बहुत ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो चीतों की आबादी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो सिर्फ लाके रखना नहीं है ना भाई, बढ़ाना भी है। चीते आएंगे, 5 मादा चीता है, 3 नर चीता है, तो फिर अगर परिवार बढ़ेगा तो और चीते बढ़ेंगे, चीतों की संख्या भी बढ़ेगी और वहां से और चीते लाए जा सकते हैं।
तीसरी बात, अफ्रीका के चीते बाकी सभी चीता प्रजातियों के पूर्वज माने जाते हैं। यहां तक कि भारत में जो चीते लुप्त हुए थे उनके वंशज जो अब सिर्फ ईरान में ही बचे हैं, अफ्रीकी चीते उनके भी पूर्वज हैं। तो मतलब जितने चीते होते हैं उन सब के बाप दादा कहां मिलते हैं? अफ्रीका में मिलते हैं। तो वो वाला चीता ला रहे हैं। भारत में जो चीते 1947 तक थे और जो 1952 तक विलुप्त हो गए उन्हें एशियाटिक चीता कहा जाता था। ये एशियाटिक चीते की एक उपप्रजाति दुनिया में अब सिर्फ ईरान में बची। भारत ईरान से भी चीता मंगवा सकता था क्योंकि वो भारत के लुप्त हुए चीतों की ही उपप्रजाति है, लेकिन ईरान में खुद ये एशियाटिक चीते विलुप्त होने की कगार पर है। अब ईरान में सिर्फ 12 एशियाटिक चीते बचे, तो जिसके पास 12 है वो आपको कैसे देगा? इसलिए ईरान से चीते मंगवाना मुमकिन नहीं था। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि 1970 के दशक में ईरान के शाह के साथ भारत की बातचीत हुई थी कि ईरान से एशियाटिक चीते भारत लाए जाएं और बदले में भारत एशियाटिक शेर ईरान को देगा। यह बातचीत हो रही थी कि देश में इमरजेंसी लग गई, उधर ईरान में क्रांति हो गई, इसलिए बातचीत फिर किसी नतीजे पर पहुंची ही नहीं। अब आपने ये तो समझ लिया कि चीते अफ्रीका से क्यों आ रहे हैं, अब ये समझिए कि इन चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में ही क्यों बसाया जा रहा है। इसलिए ना कहता हूं कि पाठशाला देखिए, इतना पढ़ लीजिएगा, इतना डिटेल रहेगा कि कल को क्लास टीचर भी पूछेंगी तो आप बताइएगा धड़ धड़, एग्जाम में आ गया तो लिख दीजिए धड़ धड़, तभी तो न्यूज का फैमिली शो है ना। पहली बात, कुनो नेशनल पार्क में इनको क्यों बसाया जा रहा है। चीतों को फिर से बसाने के प्रोजेक्ट के लिए पहले इन्हें बसाने की लोकेशन का सर्वे किया गया। देश के 10 बड़े नेशनल पार्क का सर्वे हुआ, फिर एक्सपर्ट ने बताया कि मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क ही चीतों को बसाने के लिए सबसे ठीक रहेगा क्योंकि यहीं पर इन चीतों के सर्वाइव करने की संभावना सबसे ज्यादा। दूसरी बात यह है कि कुनो नेशनल पार्क और नामीबिया के जंगलों के बीच काफी समानता है। कुनो के 350 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कोई इंसानी आबादी नहीं है, बारिश वहां पर उतनी होती है जिससे चीतों को परेशानी ना हो, औसत तापमान, पेड़ पौधे और वन्य जीवन भी एक जैसा है जिससे चीतों को ज्यादा अंतर महसूस नहीं होगा। मतलब उनको ये नहीं लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है, अरे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही, अरे यहाँ तो पेड़ पौधे नहीं है, अरे ये आदमी कहाँ से आ गया। मतलब जैसा उनको अफ्रीका में फील हो रहा था वैसा ही यहाँ फील होगा, तो वो ज्यादा अडेप्ट कर पाएंगे। तीसरी बात, कुनो नेशनल पार्क में वही जानवर हैं जो फूड चेन में चीते से नीचे आते हैं। कुनो में शेर नहीं है, इसका मतलब ये है कि चीतों को भोजन के लिए अपने किसी समकक्ष से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कुनो में चीतों के मुख्य शिकार के तौर पर चीतल, सांबर, नीलगाय, भेड़िया, सियार जैसे जानवर उन्हें मिल जाएंगे। चौथी बात, कुनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए शिकार, सुरक्षा और घर तीनों जरूरी चीजें हैं। कुनो में 21 चीते आराम से रह सकते हैं। एक बार चीते यहां पर स्थापित हो गए, उनकी आबादी बढ़ी, तो कुनो में 36 चीतों के रहने की भी व्यवस्था है। पांचवी बात, अभी तो 8 ही आए ना, 36 रह सकते हैं या 36 की व्यवस्था हो जाएगी। कुनो में एक बार चीते बस जाते हैं तो यहां पर शेर, बाघ और तेंदुए को बसाने की संभावना पर विचार किया जा सकता है क्योंकि भारत में पहले भी ऐसा रहा है कि शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ एक जंगल में ही रहते थे जो बाद में धीरे धीरे खत्म हो गया। नामीबिया से 8 चीतों को भारत कैसे लाया जा रहा है इसकी डिटेल भी जानी। स्पेशल B747 जंबो प्लेन है, इस प्लेन से चीतों को नामीबिया से भारत लाया जा रहा है। इसके आगे मुंह भी जो है वो शेर का है, चीता का पता नहीं, आप देख लीजिए, चीता ही है। इस प्लेन को खास तौर पर चीतों के लिए तैयार किया गया है। प्लेन की सीटें निकालकर उसे अंदर से खाली कर दिए, अब चीता सीट पर बैठ के तो नहीं ना आएगा, तो सीट निकाल दिए, फिर अंदर उसका पिंजरा रखेंगे। प्लेन पर चीता पेंटिंग भी बना दी गई। नामीबिया से इसी प्लेन में बैठकर 11 घंटे में ये चीते भारत पहुंच जाएंगे। अब चीता को जेट लैग होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन वो आ जाएंगे और आएंगे, जेट लैग होगा तो यहां सोएंगे, इसमें क्या है, उनको कौन सा ऑफिस जाना। प्लेन के अंदर चीतों को एक विशेष बॉक्स में रखकर लाया जा रहा है। चीतों को लेकर स्पेशल प्लेन ग्वालियर में लैंड होगा। ग्वालियर में, अच्छा ये जो बॉक्स है आप देखिए, ये स्पेशल बॉक्स में इनको लाया जा रहा है। एक बार फुल फ्रेम में दिखाइए इनको, ये वो स्पेशल बॉक्स है, एक बार देखिए जरा।
देख रहे हैं कितना कमाल का बॉक्स है, उसमें पट्टियां भी हैं, छेद भी है। अब उसको बाहर निकलने के लिए बोलना है तो एक लकड़ी जो है वो साइड से आती है, तो उससे उसको धक्का लगता है तो बाहर निकल जाता है। तो ये बॉक्स बनाया गया है। ग्वालियर में चीतों के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जिनमें बैठकर ये सभी चीते कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। ग्वालियर में चिनूक हेलीकॉप्टर ने चीतों को ले जाने का रिहर्सल भी किया है। ये उस रिहर्सल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे चिनूक हेलीकॉप्टर से इनको ले जाया जाए। अच्छा, इसे सिर्फ इस नजरिए से मत समझिए कि कोई जानवर भारत लाया जा रहा है, तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई, ऐसा लोग चर्चा कर रहे होंगे, चीते आ गए तो क्या हो गया। चीतों को भारत लाने से क्या फायदा है यह भी जानना चाहिए आपको। चीतों की आबादी के लिए अब अफ्रीका में विस्तार करने के लिए बहुत कम जगह बची, क्योंकि ऑलरेडी वहां 6,000 है बताया आपको। भारत में अगर चीतों की आबादी के लिए नई जगह बनती है तो इससे चीतों के संरक्षण का बहुत बड़ा काम भारत करेगा। आपके लिए, हमारे लिए अभी आप सोचते हैं कोई वैल्यू नहीं है, आप सोचिए। अच्छा, अभी आपको अंतर बताऊंगा, चीता क्या है, तेंदुआ क्या है, शेर क्या है। बहुत लोगों को तो समझ ही में नहीं आया कि, कई लोग पूछ रहे थे कि चीता ये है तो फिर तेंदुआ क्या होता है, और वो जो देखते थे नेशनल ज्योग्राफिक पे वो चीता था या ये चीता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। तो आपने देखा नहीं है, और आने वाली पीढ़ियां तो शायद ही देखती हैं अगर ये इसी तरह से विलुप्त होंगे तो उनको बचाने का काम भी हो रहा है। चीतों को भारत में अगर सफलतापूर्वक बसाया जा सकेगा तो फिर ये दूसरे वन्य जीवों के लिए भारत बड़ा मॉडल बन जाएगा, जिन वन्य जीवों पर विलुप्त होने का खतरा है। चीतों को फिर से भारत में बसाने से बायोडायवर्सिटी यानी प्राकृतिक और जैव विविधता हो रही है में जो कमी हो रही है उसको दूर किया जा सकेगा, और इससे पूरे पर्यावरण का फायदा होगा। जिस तरह से जंगल के इलाकों और इकोसिस्टम की अनदेखी होती रही है, उससे चीता जैसे प्रोजेक्ट से इन बातों पर फिर से फोकस होगा और इन पर ध्यान दिया जाएगा। शेर और बाघ की तरह भारत को चीता के रूप में ऐसा जानवर मिलेगा जिसके सहारे भारत की बायोडायवर्सिटी का इकोसिस्टम रीस्टोर होगा। चीता मांसाहारी जानवर है जो फूड चेन में सबसे ऊपर है और छोटे जानवरों का शिकार करता है। इससे कार्बन साइकिल बैलेंस होगा जो बड़े मांसाहारी जीवों के अभाव में पिछले कुछ दशकों में खराब हो चुका है। चीतों के आने से भारत में इको डेवलपमेंट और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, इससे लोकल कम्युनिटी को भी फायदा होगा। एक समय था जब भारत में हजारों चीते पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे चीतों की संख्या कम होती गई और आखिरकार ये विलुप्त हो गए। कहा जाता है कि 16वीं सदी में सिर्फ मुगल बादशाह अकबर ने ही 9,000 चीते पाल रखे थे। अकबर के पास 9,000 चीते थे एक जमाने में। अकबर को चीते का शिकार बहुत पसंद था। ब्रिटिश राज के दौरान पंजाब के इलाकों में, गुजरात में सूरत के अलावा, राजस्थान में जयपुर, यूपी में लखनऊ, मिर्जापुर में चीतों की आबादी थी। इसके अलावा देवघर, रीवा, छिंदवाड़ा, बुल्डाना, जालना हो गया, हैदराबाद, मैसूर, ऐसी जगहों पर भी चीते मिलते थे, आसानी से दिख जाते थे। अब खत्म है। लेकिन बड़े पैमाने पर चीतों के शिकार की वजह से धीरे धीरे चीते कम होने लगे। कुछ लोगों ने फोटो खिंचवा ली चीते को मार के, वो अपने आप को चीता समझने लगे, मैं चीता हूं, मैंने मार दिया। अरे बॉस, आप तो रहे नहीं, चीता भी नहीं रहा, चीता ही खत्म हो गया। चीतों का आखिरी रिकॉर्ड 1948 का है, जब 3 चीतों को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के जंगल में शिकार किया गया। दावा है कि यहां के राजा ने बैकुंठपुर से लगे जंगल में 3 चीतों का शिकार किया। यही देश के आखिरी चीते थे। आजादी से लेकर अब तक भारत में सिर्फ चीता ही इकलौता ऐसा बड़ा जानवर है जो विलुप्त हुआ है। बाकी सभी विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे जानवरों को भारत ने बचाया। पिछले कई दशकों में भारत ने बाघ, एशियन हाथी, घड़ियाल और एक सींग वाला गैंडा जैसे वन्य जीवों को बचाया है जो विलुप्त होने की कगार पर। इसके अलावा काले हिरण के संरक्षण के लिए भी बहुत काम हो रहा है, जिनके विलुप्त होने का खतरा बहुत बढ़ गया था। इसलिए बहुत संभावना है कि चीते को भी भारत में फिर से बसाया जा सके। चीते के साथ भारत की प्राचीन संस्कृति भी जुड़ी हुई है। चीता शब्द कहां से आया आपको पता है? यह संस्कृत का शब्द है चीता, जिसकी उत्पत्ति चित्रकाय शब्द से हुई। चित्रकाय का मतलब क्या होता है? बहुरंगी शरीर वाला। चीता को देख रहे हैं ना, चीते का उल्लेख वेदों और पुराणों में भी मिलता है। चीता कैट फैमिली का ही बिग कैट, और यह बिल्लियों की तरह गुर्राता है। शेर बाघ की तरह चीता दहाड़ नहीं लगाता। आमतौर पर यह रात के अंधेरे में शिकार नहीं करता जैसा बाघ शेर कर पाते।
लेकिन नहीं करता का यह मतलब नहीं कि रात में आराम से निकले उसको देखने चले जाए, उसका भी मूड बदल सकता है। चीते की सबसे बड़ी खासियत इसकी सबसे तेज रफ्तार है। चीता धरती पर यह सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, तक की होती है। 3 सेकंड में चीता 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेता है, लेकिन यह सिर्फ 30 सेकंड तक ही अपनी टॉप स्पीड में रह पाता। 10-10 मिनट तो कोई इतना तेज नहीं दौड़ सकता, तो 30 सेकंड टॉप स्पीड में रहता है। लेकिन 30 सेकंड अगर कोई 100 की स्पीड पर दौड़ रहा है तो आप सोच रहे हैं जो जानवर भाग रहा है वो तो इतना तेजी से नहीं भाग रहा। तो इसके लिए शिकार करने के लिए इसकी स्पीड ही सबसे पावरफुल चीज है। इसी 30 सेकंड में चीते को शिकार करना होता है। हैरान करने वाली बात यह कि चीता दौड़ते वक्त आधे समय हवा में ही रहता है। सिर्फ दौड़ने में ही नहीं, चीता लंबी छलांग लगाने में माहिर है। तो वो 23 फीट यानी 7 मीटर तक छलांग लगा सकता है। अब आप सोचिए कि जो शिकार करने के लिए दौड़ रहा है और देख रहे हैं कैसे दौड़ा, इतने आधे टाइम वो हवा में और इतना तेज दौड़ता है कि भागने वाले के लिए भागना मुश्किल हो जाता है। लंबी छलांग लगाने के लिए चीता जरूरी रफ्तार 3 सेकंड में हासिल कर लेता है, मात्र 3 सेकंड। और चीते की जो आंखें वो एकदम सीधी दिशा में होती है, जिससे वो कई मील दूर तक आसानी से देख भी सकता है। तेज रफ्तार में दौड़ते वक्त भी चीता अपने शिकार पर फोकस बनाए रखता है, इस तरह का उसका विजन। उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत लंबी भी होती है और लचीली भी होती है, इसी कारण दौड़ते समय उसके पिछले पैर अगले पैर से आगे तक आ जाते हैं। चीते का दिल शेर के मुकाबले 3.5 गुना बड़ा होता है, यही वजह है कि दौड़ते वक्त इसे भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। हालांकि कहने के लिए मुहावरे में हम कहते हैं कि बड़ा शेर दिल आदमी, लेकिन कहना चाहिए चीता दिल आदमी है, क्योंकि चीता का दिल शेर से भी बड़ा होता है। लेकिन यहां तो विलुप्त हो गए, कहिएगा कैसे, पता ही नहीं रहा होगा। चीता हर 3 दिन में 15 किलो मीट खाता है, 3 दिन में 15 किलो मीट लगता है उसको। लेकिन बहुत लोगों को अभी यह नहीं पता होगा कि शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ, इनमें फर्क क्या है। शेर, बाघ, चीता और तेंदुए ये चारों कैट फैमिली से आते हैं। इन चारों में अंतर क्या है बता देता हूं। सबसे पहले साइज और वजन का अंतर देख लीजिए। शेर जो होता है वो 1.2 मीटर लंबा होता है और वजन 225 किलो के करीब होता है। बाघ भी 1.2 मीटर लंबा हो सकता है, लेकिन वजन इसका शेर से ज्यादा होता है, 310 किलो के करीब होता है। चीता 1 मीटर लंबा होता है और वजन 70 से 75 किलो के करीब है। तो चीता जो है वो इतना तेज इसलिए दौड़ता है ना कि 70 से 75 किलो का है, बाघ जो है वो 300 किलो का है। जैसे जिम जाकर आप वजन घटा लेते हैं तो तेज दौड़ते हैं ना, एथलीट जो होता है वजन कम रहता है तभी ना तेज दौड़ता है। सुमो रेसलर को देखें कि वो तेज दौड़ता हो, वही अंतर बाघ और चीते में है और शेर और चीते में। बाघ इसीलिए क्या करता है, घात लगाकर हमला करता है। उसको पता है मैं इतने वजन के साथ बहुत ज्यादा देर दौड़ नहीं पाऊंगा, तो छुप के हमला करता है। चीता क्या है, वो 70-75 किलो का, हवा में उछलता हुआ आपके पीछे दौड़ जाएगा। और तेंदुआ जो है वो 1 मीटर लंबा होता है, वजन इसका 100 किलो के करीब होता है। तो सबसे जो लीन और फिट होता है, जिसको आपका ये जिम जाने वाली बॉडी, वो चीते की होती है। अब स्पीड की तुलना करते हैं। शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम दौड़ सकता है। बाघ और ज्यादा वजन है तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। चीता डबल है, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और तेंदुआ 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। अब ये खाते क्या होंगे भाई, सब अलग अलग हैं, दिख अलग अलग रहे हैं, वजन अलग है, खाते क्या हैं? शेर, भैंस, गैंडे, जेबरा, जिराफ ये सब खाता है। बाघ जो है हिरण और बकरी खाता है। चीता हिरण, खरगोश, चीतल ऐसी चीजें खाता है। अब देख रहे हैं, चीता, खरगोश, चीतल और हिरण तीनों ऐसे जानवर है जो बहुत तेजी से भागते हैं, लेकिन चीता उनको खा सकता है क्योंकि वो खुद तेज दौड़ता है तो पकड़ सकता है। तेंदुआ जो है वो सियार और बंदर खाता है, ये इनका डाइट चार्ट है। चीतों को अफ्रीका से लाकर कुनो नेशनल पार्क में यूं ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। चीतों का भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से उन्हें ढालना होगा। नामीबिया से आने पर चीते डरे हुए होंगे और भागने की कोशिश कर सकते हैं। इन चीतों को होल्डिंग एनक्लोजर में रखा जाएगा
जो बड़े होते हैं और आधा किलोमीटर या उससे ज्यादा में फैले होते हैं। ये इंक्लोजिंग जो आपको बता रहा हूं होल्डिंग इंक्लोजर है, तो ये थोड़ा बड़ा है, मतलब पिंजड़ा ही है, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एकदम फंसा हुआ हूं, थोड़ा चलना फिरना ये सब हो पाएगा। ये होल्डिंग एनक्लोजर कूनो नेशनल पार्क में बनाए गए हैं। कूनो में 8 चीतों के लिए 6 क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं। नर चीतों को मादा चीतों से अलग रखा जाएगा। 1 महीने तक साइंटिस्ट, रिसर्चर और डॉक्टर चीतों की निगरानी करेंगे। इस बीच चीतों को छोटे वन्य जीव खिलाए जाएंगे और लगातार मेडिकल टेस्टिंग होती रहेगी। 1 महीने तक सब ठीक चला तो उसके बाद चीतों को 500 हेक्टेयर में फैले दूसरे एनक्लोजर में रिलीज किया जाएगा। यहां भी चीतों की निगरानी होती रहेगी। सब कुछ सामान्य रहने पर इस साल दिसंबर में चीतों को कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा कि अब जाओ रहो, अब तुम सेटल हो गए। कूनो नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर का इलाका है और यहां अधिकतम औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो चीतों के लिए एकदम सही है। कूनो में चीतों को कॉलर आईडी से ट्रेस किया जाएगा। इसके अलावा 5 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी का भी सर्विलांस होगा। चीतों के व्यवहार पर नजर रखने के लिए कई वॉच टावर भी बनाए गए। ये कूनो नेशनल पार्क की ही तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जिसमें आखिरकार इनको छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत गंभीर है। चीतों को भारत में फिर से बसाने के अलावा कई और जानवर हैं जिनके संरक्षण के लिए काम को तेज किया गया नरेंद्र मोदी के आने के बाद। टाइगर यानी बाघों के संरक्षण के लिए सेव टाइगर कैंपेन 1973 से चल रहा है। पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट को और सघनता से चलाया जिसके कारण आज दुनिया में सबसे ज्यादा 2967 बाघ भारत में। लायन यानी शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात में सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया। आज गुजरात के गिर नेशनल पार्क में लगभग 675 शेर हैं। गिर के 21,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ये शेर रहते हैं। स्नो लेपर्ड हिमालय के इलाकों में पाया जाता है। दुनिया में सिर्फ 4,000 स्नो लेपर्ड बचे हैं। भारत में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के जरिए इनका संरक्षण किया जा रहा है। ब्लैक लेपर्ड यानी काला तेंदुआ, यह भी खत्म होने की कगार पर है, विलुप्त प्राय प्रजाति। इसके संरक्षण के लिए भी काम हो रहा है और पिछले कुछ सालों में काले तेंदुए की आबादी में कुछ बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के टाइगर रिजर्व में कई बार ब्लैक लेपर्ड दिखाई दिए। तो कल ये 8 चीते भारत आएंगे और भारत के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से इसका महत्व है। सिर्फ ये मत सोचिए 8 चीते आ रहे हैं।